जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू जीना इसी का नाम है। दोस्तों आज के एपिसोड में जो थॉट शेयर करने वाले एक्टर है वो 20 साल से थिएटर और टेलीविजन से जुड़े। थिएटर में उन्होंने काफ़ी प्लेस किए, मेरे ही प्रोडक्शन में 3 से 4 प्ले में उन्होंने काम किया, टेलीविजन में भी काफ़ी शोज किए। लेकिन उनका सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट शो जो आप रोज देखते हो 8:30 बजे, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा की, जिसमें वो बाघा का रोल प्ले करते हैं। वेलकम तन्मय वेकरिया। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है तन्मय वेकरिया। दोस्तों आज मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक राजा था, बहुत ही अच्छा नेक दिल इंसान था वो। उसे अंगूठियां पहनने का बहुत शौक था, अलग अलग किस्म की अंगूठियां पहनता था वो, हीरे की, मोती की, सोने की, चांदी की, सब किस्म की अंगूठियां उसके पास थी। एक दिन एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ऋषि मुनि उसके दरबार में आए और उस ऋषि मुनि ने उस राजा को एक अंगूठी दी। राजा ने अंगूठी को देखकर कहा कि ये बहुत ही साधारण सी अंगूठी है मुनि, मैं ऐसी अंगूठी नहीं पहनता। ऋषि मुनि ने कहा कि राजन देखो उस अंगूठी पे क्या लिखा है। राजा ने देखा तो उस पे लिखा था ये वक्त भी चला जाएगा। राजा को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा ऋषि जी इस अंगूठी का भला मैं क्या करूंगा। तब ऋषि ने उससे कहा कि अभी नहीं, वक्त आने पर तुम्हें इस अंगूठी का महत्व समझ आएगा। कुछ दिनों के बाद राजा का बहुत बड़ा उसके यहाँ पे एक फेस्टिवल था, उसका बर्थडे था। पूरी नगरी को उसने इनवाइट किया था, सब लोग खाना खा रहे थे, सब खुश थे, सब राजा की तारीफ कर रहे थे कि हमारे राजा कितने महान है, हमारा राजा कितना अच्छा है। राजा को यह सुनकर बहुत ही घमंड फील हुआ, बहुत ही प्राउड फील हुआ। लेकिन अचानक उसकी नजर उसकी अंगूठी पर पड़ी और उस पर लिखा था कि ये वक्त भी चला जाएगा। राजा ने सोचा नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं, मैं जो अपने प्रजा के लिए कर रहा हूं वो मेरा कर्तव्य है, वो मेरा कर्म है। कुछ और दिनों के बाद दूसरे राजा ने इस राजा के राज्य पे चढ़ाई कर दी। राजा हार गया, अपने कुछ सैनिकों के साथ भागता हुआ जंगल में चला गया। वहां एक पेड़ के नीचे बैठा था और सोच रहा था कि अपना राज्य में उस राजा से वापस कैसे लूं। फिर अचानक उसकी नजर उस अंगूठी पे पड़ी, उस पे लिखा था ये वक्त भी बीत जाएगा। उसमें हिम्मत आई, जो बचे हुए सैनिक थे उसने उन सबको जमा किया, उसे एकत्रित किया और उस राजा पे वापस चढ़ाई बोल दी और अपना राज्य वापस ले लिया। दोस्तों कोरोना वायरस वो राजा है जिसने अचानक हमारे देश पे आक्रमण कर दिया है, लेकिन हमें बड़ी ही धीरज से, बड़ी ही पेशेंस के साथ इस महामारी को डील करना है। ओवर कॉन्फिडेंस होकर, ओवर कॉन्फिडेंस में रहकर घर से बाहर निकल गए या यहीं घूमने चले गए 5 मिनट 10 मिनट, नहीं, घर पे रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये वक्त भी चला जाएगा। हम सब मिलकर कोरोना वायरस नाम के राक्षस को हमेशा हमेशा के लिए सुला देंगे। इस चेन को तोड़ने का सिर्फ एक ही उपाय है, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ऐसा वक्त हमें कहां मिलेगा। पूरा दिन हमारे परिवार के साथ माता पिता की सेवा करने का मौका मिलता है, वाइफ के साथ समय बिताने का मौका मिलता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। बी पॉजिटिव फ्रेंड्स, ये वक्त डेफिनेटली चला जाएगा और फिर से वो वक्त आ जाएगा जहां हम पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हम हमारे काम में, आप आपके काम में व्यस्त हो जाएंगे, वो सुनहरा वक्त बहुत जल्द आएगा फ्रेंड्स। सो बी पॉजिटिव एंड फाइट अगेंस्ट कोरोना। और हाँ, रेगुलरली अपने हाथ साबुन से धोते रहिए, घर से बाहर प्लीज ना निकले, अगर एकदम इमरजेंसी हो और निकलना पड़े तो प्लीज मास्क पहने निकले और सोशल डिस्टेंसिंग इज मस्ट। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। तन्मय थैंक यू सो मच फॉर ए वंडरफुल थॉट। तो दोस्तों वक्त है छोटी सी कहानी का। एक बार एक खेत में एक किसान अपनी अनाज की कोठी में काम कर रहा था।
काम करते करते उसका ध्यान पड़ा कि उसकी घड़ी खो गई है। वो घड़ी उसे बहुत प्यारी थी क्योंकि उसके पिताजी ने उसे गिफ्ट की थी। उसने सारी कोठी में ढूंढा पर घड़ी नहीं मिली। निराश होकर वो बाहर आके बैठ गया कोठी के, तो वहाँ कई बच्चे खेल रहे थे। तो उसने सब बच्चों को बुलाया और कहा कि मेरी घड़ी अंदर खो गई है, जो भी ढूंढ के लाएगा उसे मैं गिफ्ट दूंगा। सारे बच्चे अंदर दौड़े। थोड़ी देर में सारे बाहर आए और बोला कि अंकल घड़ी नहीं मिली। तब एक लड़का बाहर खड़ा था, वो सारा माजरा देख रहा था। उसने कहा मैं जाके ढूंढूं? उसने कहा कि हाँ। वो अंदर गया, थोड़ी देर में वो घड़ी लेके आया। किसान खुश हो गया। उसने कहा कि तुम्हें कैसे घड़ी मिली, तुमने ऐसा क्या किया? तो बच्चे ने कहा कि अंकल मैं अंदर जाके शांति से बैठ गया, मैंने मन लगा के सुना तो मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी, बस उसी दिशा में मैं गया और मुझे घड़ी मिल गई। दोस्तों हमारा भी ऐसा है, हमें जब मुश्किलें आती है, तकलीफें आती है, तो हम बौखला जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। उससे अच्छा अगर हम शांति से सोचे, धैर्य से सोचे, तो उसमें से रास्ता हमें मिल सकता है। धीरू भाई अंबानी ने खूब कहा कि कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत बदलिए, विपत्ति को अवसर में बदलिए। तो दोस्तों जुड़े रहिए जीना इसी के नाम, फिर मिलेंगे नए थॉट और नए दोस्त के साथ। तब तक बी पॉजिटिव। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है।